Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के रिश्ते की तरफ दोस्तों। ये रिश्ता जो है ये कसूर शहर का, यानी कि है कसूर शहर की ये खातून हैं जिनका रिश्ता मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये रिश्ता उन हमारे दोस्तों के लिए, मर्द हजरात के लिए है जिनकी उम्र 48 साल तक हो, 48 ईयर तक। तो इस रिश्ते की मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें। दोस्तों ये जो खातून हैं जिनका रिश्ता आज लेकर आया हूँ, इनकी उम्र है 34 ईयर, यानी कि 34 साल, यानी कि ये एक यंग लड़की है, इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से तलाक इनकी हो चुकी है, तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो गया है। तो पिछले 1.5 साल से ये अपने वालदैन के घर पे कसूर सिटी में रहती हैं। इनकी एक बेटी है जिसकी उम्र जो है वो 3 साल है और वो इनके साथ ही रहती है। तो ये जो खातून हैं इनका नाम है रायमा बीबी और हमारी बहन जो है ये रायमा बीबी, इनकी तालीम जो है BA है, यानी कि ये 14 जमात पास है। देखने में खूबसूरत हैं, 5 फुट 2 इंच इनकी हाइट है, 47 kg यानी कि 57 किलोग्राम जो है वेट है इनका। काफ़ी अच्छी फैमिली से हैं, महजब घराने से इनका ताल्लुक है, मुसलमान है, फिरका सुन्नी है। और इनकी जो कास्ट है ये राजपूत फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। तो हमारे वो दोस्त मर्द हजरात इस रिश्ते के लिए रब्ता कर सकते हैं जिनकी उम्र 48 साल तक हो और चाहते हों पहली या दूसरी शादी करना। लेकिन यहाँ एक बात जो मैं आपको बता दूँ, इसे ज़रा गौर से सुन लें, कि वही लोग रब्ता करें जो या तो रंडवे हों या कंवारे हों या तलाक याफ्ता हों, यानी कि वो दोस्त भाई जो पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना चाहते हों वो इस रिश्ते के लिए रब्ता ना करें। तो वो हमारे दोस्त जो चाहते हों उनसे रब्ता करना, लड़का जो है मुसलमान हो, जात बरादरी कोई भी हो, पाकिस्तान या बैरून मुल्क कहीं भी लड़का जो है वो रहता हो, और शादी के मामले में अगर सीरियस है तो वो इस फैमिली से रब्ता कर सकता है। रब्ता करने के लिए आप जो है अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।